एक मुझको तू कर नहीं जाता। खर्च का रियाज कैसे करें, लोअर नोट्स में मजबूती कैसे लाएं, और क्या रियाज है जिसको करने से हमारा जो है मंद्र सप्तक जो है यानी खरज जो है वो मजबूत हो सकता है, क्या उससे आवाज़ में हमारी दम आएगा, बेस आएगा, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस पर मैं आज थोड़े अपने विचार थोड़ी बातचीत करने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या है खरज का रियाज और क्या आपको करना चाहिए और कैसे आप कर सकते हैं। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। अब और क्या किसी से मरासिम बढ़ाए हम, ये भी बहुत है तुझको अगर भूल जाए हम। अब और क्या किसी से मरासिम बढ़ाए हम। अहमद फराज साहब की लिखी हुई ये गज़ल है, ग़ुलाम अली खान साहब की कॉम्पोजिशन उन्होंने ये गाई है। बड़ी ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, बड़े ही प्यारे इसके शब्द हैं, आप ज़रूर सुनिएगा। तो आइए फिर से बात करते हैं खर्च के रियाज पर और क्या हमें वो करना चाहिए और क्या उसके फ़ायदे हैं। पहले तो मैंने भी, मेरे पिता गुरु जी ने भी हमेशा इस चीज़ का इसके ऑपोजिट ही कहा है कि खर्च का रियाज नहीं करना चाहिए। और अगर स्पेसिफिक शब्दों में कहूँ तो उन्होंने यही कहा है कि सिर्फ खर्च का रियाज नहीं करना चाहिए। देखिए, आपकी जो वॉइस है अगर आप उसको किसी एक सप्तक में बार बार गाएं, बार बार गाएं और उसी में आप अपना रियाज करें, तो वॉइस जो है उस सप्तक में गाने की तो आदी हो जाती है, अच्छे से आपके सुर जो हैं उस उन स्वर संगतियों में तो लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊँचा अगर उससे हुआ तो आपकी आवाज़ क्रैक हो जाती है, फिर आप नहीं गा पाते हो, भले वो मध्य भी क्रॉस करना हो या फिर तार सप्तक भी ज़्यादा जाना हो। तो इसीलिए मना किया गया कि सिर्फ खर्च का रियाज मत करो, बैलेंस्ड रियाज करो जिससे कि आपकी रेंज जो है तीनों सप्तकों में बने, मध्य में भी, मंद्र में भी, तो तार में भी। अब कैसे उसका रियाज करेंगे कि तीनों सप्तकों में जाए, वो भी मैंने कई बार बताया है। मेरे ही पिता गुरुजी की टेक्निक है जो उन्होंने हमें सिखाई और मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं, पहले भी हम कई बार वीडियोस में बता चुके हैं। उसमें लंबे लंबे स्वरों का रियाज है। अगर सवेरे आप कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, तो भैरव थाट आपने लिया है और उसमें रे ध कोमल लगाते हुए अपने सुर से, जैसे कि अगर आप एक अडल्ट मेल हैं तो आपकी आवाज़ थोड़ी भारी हो चुकी है, थोड़ी बदल चुकी है, तो आप पहली काली से या फिर पहली सफ़ेद से अपना रियाज करते हैं, तो उसमें आप धीरे धीरे स्वरों को बढ़ाइए। जैसे सा लगाया लंबी सांस में, फिर नी लगाया मंद्र में, फिर वापस सा लगाया, फिर रे लगाया। मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये पहली काली है सा, इसमें आपको पूरी सांस देनी है और पूरा मुंह खोल के पूरे फोर्स से आपको बोलना है, फिर पूरी सांस में सा, पूरी सांस। अभी मैं जल्दी जल्दी करके बता रहा हूं, वरना आपकी जितनी भी ब्रीदिंग जितने भी सेकंड तक चलता है आप वहां तक कर सकते हैं। रे, पूरे पूरे स्वरों को लगाते हुए ऐसे आपने सा लगाया, फिर नी लगाया, फिर सा लगाया, फिर रे लगाया, वापस सा, नी,
ध एक स्वर नीचे खोला, फिर नी सा रे ग एक स्वर आगे खोला, ऐसे करते करते आपको जाना है और इसमें यह देखना है कि कहां तक आपकी रेंज जा सकती है। खरज में अगर पंचम तक जा रही है तो पंचम तक लगा के वापस प ध नी सा रे ग म प ध नी सा, ऊपर जितनी जा रही है ऐसे करते करते धीरे धीरे एक एक स्वर को खोलेंगे तो आपकी रेंज जो है इससे डेवलप होगी, गला जो है इससे खुलेगा। अब अगर खरज के रियाज की बात आती है तो उसमें भी यही होता है, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, उसमें भी लंबे लंबे स्वरों को ही लगाया जा रहा है, बस ये है कि नीचे उतार रहे हैं हम, ऊपर नहीं जा रहे हैं। सा लगाया, फिर नी लगाया, फिर सा लगाया, फिर नी लगाया, फिर ध लगाया, फिर नी लगाया, फिर सा लगाया, फिर नी ध प ध नी सा, नी ध प म प ध नी सा, एक एक करके नीचे 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 उतरते जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है खरज के रियाज में, इसमें भी यही हो रहा है। लेकिन उसमें एक जो नुकसान हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम जैसे ही फिर तार सप्तक में जाते हैं या फिर थोड़ा सांस से हल्का ऊपर भी गए ना तो हमारा गला खींच रहा है या फिर यू नो वहाँ पे स्वर प्रॉपर नहीं जा रहा है, वो दम नहीं आ रहा है, वो खुलापन नहीं आ रहा है, है ना। इसीलिए जो है हम मना करते हैं, मेरे पिता गुरुजी भी मना करते हैं कि सिर्फ खर्च का मत करो, करना है तो ऐसे करो, तो इससे क्या होगा आपकी सप्तक जो है तीनों खुलेंगे, है ना, आपकी वॉइस जो है वो तीनों सप्तकों में खुलेगी। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खर्च का रियाज करते थे और फिर उनको बहुत दिक्कत आती थी, वॉइस चोक हो जाती थी ऊपर, तो उनको हमने जब ये टेक्निक बताई तो उन्होंने अप्लाई करी और जाहिर बात है कि फिर उन पर असर हुआ है, है ना, वो तीनों सप्तकों में थोड़ी गायकी कर सकते हैं। अगर तार में भी गाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि गला बंद पड़ रहा है या गला चोक हो रहा है ना, वहाँ भी खुल के गा पा रहे हैं, नीचे भी खुल के गा पा रहे हैं, है ना, और मध्य में है ही है। अब जाहिर बात है कि सिर्फ इस रियाज से ही नहीं हो जाता है, देखिए रियाज को भी हमें समझना होगा कि सिर्फ एक रियाज कर लेने से कुछ नहीं होता है, रियाज इज एक्सरसाइज, है ना, इट्स प्रैक्टिस बेसिकली, और ऐसी ऐसी वोकल एक्सरसाइजेस हैं जिनसे गले की अलग अलग चीज़ें खुलती हैं। आप सिर्फ एक एक्सरसाइज करके बॉडी नहीं बना सकते, बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, हाथों के लिए अलग, बाइसेप्स के लिए अलग, ट्राइसेप्स के लिए अलग, पाँव के लिए अलग, है ना, एब्स के लिए अलग होती हैं, मतलब खैर मुझे इतना नहीं पता है, पर हाँ ये मुझे मालूम है कि हर चीज़ की एक्सरसाइजेज अलग अलग होती हैं, है ना, आप सिर्फ डंबल उठा लेने से पूरी बॉडी नहीं बन जाती है। तो उसी प्रकार से रियाज में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनसे अलग अलग असर होता है, जैसे इससे रेंज पर असर आ रहा है, ये नहीं कि ये करते ही आप एकदम धुआंधार गाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको अलग अलग रियाज करने पड़ेंगे। अगर गाना गाना है तो गाने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि क्लासिकल गा रहे हैं, क्लासिकल सीख रहे हैं तो गाना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गजल गाना ऑटोमेटिकली आ जाएगा नहीं, सबका लहजा सबका तरीका जो है अलग अलग होता है, तो सबको करके ही देखना पड़ता है, है ना। अब अलंकारों का रियाज करोगे तो गले में यू नो वो हरकतें आएंगी, वो जगह बनेगी कि आप कुछ आकार में ताने ले पाओ या छोटी छोटी मुर्कियां ले पाओ, है ना, कंट्रोल्ड वे में, है ना। ऐसे जब खोल के आप सा लगाते हो तो वॉइस ओपन होती है, दम आता है वॉइस में, है ना, एक पंच आता है और सा लगाने से पंच आता है, और ये जो रेंज का बताया इससे रेंज बढ़ रही है, है ना। ऐसे ही रागों का अभ्यास करने से, रागों का रियाज करने से आपको मधुरता आती है, आपके गले में मेलोडी बनती है, क्योंकि वो जो चलन है, जो राग का स्वरूप बनता है, उससे आपका दिमाग और गला दोनों मेलोडी जो है समझने लगता है और क्रिएट करने लगता है। तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रियाज है और अलग अलग रियाजों से अलग अलग असर होता है बॉडी में भी और गले में भी, है ना। तो मेरा इतना ही कहना है कि सिर्फ खरज का रियाज नहीं करना है, तीनों सप्तकों का रियाज कीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रियाज करना होगा, अलंकार सीखने होंगे, लय का रियाज करना पड़ता है, तालों का रियाज करना पड़ता है, सब चीज़ों का रियाज करोगे तो डेवलपमेंट होगा, एक रियाज से सब असर हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है, है ना। आपको हर चीज़ का अलग अलग रियाज तो करना पड़ेगा और अपना वक्त जो है संगीत को देना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा समय देके कुछ नहीं होगा, आपको दिन दिन भर आपका देना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड की वीडियोज़, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा, एंड कुछ डेवलपमेंट है, कोशिश है कि संगीत के फील्ड में कर सकें। और हमारी जो एक नई गज़ल आने वाली है मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पर, जो वसीम बरेलवी साहब की लिखी और मैंने उसे गाया है, दिसंबर में हम लोगों ने रिकॉर्ड करी थी, उसका एक ऑडियो हम थोड़ा अभी अब रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा वो प्रॉपर हो पाया है, तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को भी, उस चैनल को भी, जल्द कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। शुक्रिया।